नमस्कार, इंडिटॉप न्यूज में आपका स्वागत है। उमा शंकर सिंह विधायक ने नेहा सिंह को दिए 50,000 रूपए। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में यूपी के बलिया की नेहा सिंह ने एक अनूठा कीर्तिमान रच दिया है। उन्होंने खनिज रंगों से भगवत गीता पर आधारित मोच का पेड़ नामक चित्र बनाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने पर रसला विधायक उमा शंकर सिंह ने नेहा सिंह के घर पहुंचकर नेहा सिंह अनुपरिवार के सदस्य को सम्मानित किया और 50,000 रूपए सहायता की है। उमा शंकर सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस लड़की को जो भी सहयोग हमसे चाहिए वह सहयोग करेंगे। देखिए आज हम लोग इस अपने नाथ जी और रोशन शाह जी की सरजमी पे ग्राम सभा डिहरी में हम लोग हैं, जो कि रसना विधानसभा का एक अंग पार्ट है। और यही की बेटी श्रीमती नेहा सिंह जी ने आज जो पूरे बलिया, बल्कि कह लीजिए या पूरे उत्तर प्रदेश कह लीजिए, बल्कि पूरे भारतवर्ष का नाम जो है गिनीज बुक के रिकॉर्ड में उन्होंने दर्ज कराया है। इसके लिए हम सभी रसनावासी, बलिया जनपदवासी इतने गौरवान्वित हैं कि कम से कम इनके अथक प्रयास से, इनके लगन से और इनके माँ बाप के संस्कार से, इनके पेरेंट्स के प्रोत्साहन से आज इस मुकाम पे हासिल की हूँ। तो मैं उसी क्रम में आकर के आज इनके परिवार के लोगों को, जिसमें की मम्मी हैं, पुत्र हैं, सबको मैंने कहा कि भाई आप लोगों की वजह से आज नेहा जी यहाँ तक पहुँची हैं। उसमें माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है और हम आकर के सभी हमारे साथ, हमारे प्लास्टरम जी हैं, हमारे मदन राम जी हैं, सब लोग उन लोग आकर के हौसला बढ़ाए। और आने का उद्देश्य ये भी था कि यह मेरा, मैंने मुख्य नेहा जी से यह उम्मीद है कि भाई आप और इस तरह के रिकॉर्डों को आप बीट करिए, जिससे कि हमारे बलिया जनपद का, रसना का नाम और सुर्खियों में जाए। और उसके लिए हम सभी लोग इनके पीछे खड़े हैं, जहाँ भी जैसी जरूरत आएगी हम लोग पूरी तरह से इनके साथ हमेशा पीछे खड़े मिलेंगे। व्यस्तम कार्यक्रम में से आप समय निकाले, खुद नेहा जी के घर आपने खूब सराहा, आपको और सराहना की आवश्यकता है, क्योंकि नेहा जी वो प्रतिभाशाली वो बेटी है जो आगे और भी जा सकती है। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, विकास पुरुष के होने के नाते, विधानसभा के विधायक होने के नाते आपसे उम्मीद नेहा जी के परिवार को है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना कि मैंने अपने पहले ही लैंग्वेज में इस बात को दोहरा दिया कि मैं नेहा जी इतनी ऊंचाइयों को हासिल करें और उसमें हम सब का जहाँ कहीं अगर महसूस होगा योगदान, या लगता है कि हम सब कहीं पीछे खड़े होने से और ही आगे जाएंगे, तो ये जब भी पीछे मुड़ के देखेंगे हम लोग पीछे खड़े मिलेंगे। हर तरह से इनके लिए हम लोग मदद करेंगे। और मैं तो चाहूँगा कि नेहा जी ने शुरुआत किया, इसके पहले भी इनके नाम से दो रिकॉर्ड और, तीन रिकॉर्ड और कायम हैं और ये एक बड़ा रिकॉर्ड कायम हो गया। तो हम तो इसीलिए इनके, क्योंकि भी पापा नहीं हैं, मम्मी हैं, चाचा हैं, इनका हमने पहले चुके आशीर्वाद लिया। और हमने, क्योंकि मैंने इस बात को जरूर किया कि भाई इन लोगों की प्रेरणा और आशीर्वाद है कि आज नेहा जी इस मुकाम पर हासिल की। अभी कुछ दिन पहले ही अभी इनकी शादी हुई, शादी में हम 1.5 घंटे बैठे थे, सिस्टर की शादी थी, सिस्टर की शादी थी, उसमें हम लोग 1.5-2 घंटे बैठे थे, चर्चा हुई कि भाई हम लोग मैंने इसे वहाँ पे थे। तो कहने का मतलब कि ये एक, मतलब हम लोग तो भैया अभी आज लोग हमको जैसे पता चला, तो उन लोग बताया कि नहीं बिट्टू जी का, मैंने कहा कि भाई बिट्टू जी के हम बैठे थे 2 घंटा, तो ये बड़ा एक मैंने हम लोगों के लिए भी, मतलब विधायक जनपद के छात्र छात्राओं को भी इस तरह का संदेश देना चाहेंगे पूरे जनपद के। देखिए हमें तो लगता है कि नेहा जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस तरह से इन्होंने उस मुकाम को हासिल किया है। आप समझ सकते हैं कि गिनीज बुक में रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए मतलब पहले से कितने प्रयास करने पड़ते हैं। अगर इसके पहले का जो पिछला जो रिकॉर्ड होगा, जैसा कि इन्होंने बताया, उस रिकॉर्ड को बीट करने के लिए पहले आपको उस संस्था से अप्रूवल लेना पड़ता है। अब वह जब अलाउ कर देगा, क्योंकि संस्था अलाउ कर दिए, तब हम उसको बीट करने के लाइन में लगते हैं। और उसको बीट करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और हमें तो लगता है कि मतलब नेहा जी को लोग प्रेरणा मान करके, जैसे कि हम युवाओं को बताते हैं अपने बारे में, जो युवाओं से हमेशा कहते हैं कि भाई आप लोग कुछ करो, हमको देख के सीखो कि हम कहाँ से कहाँ तक आए हैं। इसी तरह से अन्य लोगों को भी, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे अन्य छात्र छात्राएँ हैं, उनको भी नेहा जी से इस प्रतिभा का उनको अनुसरण करना चाहिए। और उस अनुसरण से अंतिम सवाल, नेहा जी इसी स्कूल के प्राथमिक विद्यालय से पढ़ी हुई है, क्या आप मानते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में अभी भी प्रतिभाशाली अगर बच्चे हो तो मुकाम उनके पैरों तले रहेगी, उनके सर पर रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। और हम जब असफल होते हैं
तो हम विद्यालयों का दोष देते हैं, और जो किया गलत है। हम सफल होते हैं तो फिर होता है कि नहीं, देखिए आदमी जो भी किसी चीज़ को अगर वह मन में ठान ले कि हमें इस चीज़ को मतलब बीट करना है, मुझे यहाँ तक जाना है, तो मैं ही प्राइमरी स्कूल वाला हूँ, मुझे पूरे वो दिन याद हैं कि वो पटरी हुआ करती थी, वो फेमरिया से बुढ़िया से हम लोग लिखते थे, सारे दिन याद हैं। हमारे साथ बहुत से लोग होंगे, लेकिन उसी में मान लीजिए कुछ लोगों ने इस चीज़ को हासिल करने की मतलब कोशिश किया होगा। मेरा है कि मैंने भी कोशिश किया, उसी तरह से नेहा जी ने उस चीज़ को मैंने दिखाया। यह लोगों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें यह जरूरी नहीं कि हमें मतलब उच्च स्तरीय विद्यालय मिले, वहीं से हम इस काम को कर सकते हैं। हमारे मन में लगन होना चाहिए कि हमें क्या करना है, और यह इनके मन में लगन नहीं होता तो सीधा अगर क्वालिफिकेशन लेना होता है, डिग्री लेना होता है, तो ये जहाँ से डिग्री ले रही है डिग्री मिल जाता, डिग्री इनके खाते में आ जाता है। लेकिन इनको लगा कि नहीं, जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं उस क्षेत्र में हम देखें हमसे सुपर कौन है, और उसे मुझे बीट करना है। जब यह इनके मन में प्रेरणा आई तब इन्होंने फिर उस गिनीज बुक के रिकॉर्ड को खोला कि हमारी जो मतलब क्वालिफिकेशन है या हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं तो उसमें कौन हमसे आगे है, उस प्रतिस्पर्धा में ये शामिल हुई और उस बीट ये होना चाहिए। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।